भाटिया साहब, आप देवास से आए हैं पैसिफिक एग्रो फार्म पे। मैं अशोक कुमार, डायरेक्टर पैसिफिक एग्रो नागपुर। और आप ये एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के लिए यहाँ पर आए हैं, जिसमें आप इस परियोजना को प्रत्यक्ष तौर पे ठीक ढंग से इसको समझने के लिए और देखने के लिए आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने डिस्लेशन यूनिट के बारे में समझा और हमने आपको पूरा बताया, आपकी पूरी संतुष्टि के स्तर तक जा करके। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो घास है, ये घास तभी रोजा है, तभी रोजा जो कि ड्रॉट प्रोन है, या इस पर जहाँ पानी की कमी है वहाँ इसको लगाया जा सकता है। और इसकी उपज जो है करीबन 4 से 5 किलो तेल मिलता है और 80 से करीबन 100 किलो तेल आपको प्रति एकड़ प्रति वर्ष मिल सकता है। 4 से 5 किलो पर टन, पर टन रिकवरी हम जो पर टन करते हैं। और ये देख रहे हैं कि इसमें प्लांट पॉपुलेशन बिल्कुल सही तरीके से मेंटेन की गई है, यानी अपेक्षित पौधों की संख्या ये इस क्षेत्र में या इस परियोजना में बहुत अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि यदि अपेक्षित पौध संख्या यदि 100 है एक प्लाट में, और आप उसको उसमें आपके यदि 20% पौधे मर जाते हैं, यानी आपके पास 80 ही बचते हैं, लेकिन आप जो भी इस पर खर्चा करेंगे, समय के रूप में, खाद के रूप में, पानी के रूप में, लेबर के यानी मजदूरी के रूप में, 100% यानी 100% जाएगा, लेकिन आपको जो उसका आउटपुट है वो सिर्फ 80% मिलेगा। यानी आप डे फर्स्ट यानी पहले दिन से आप -20% में चले जाते हैं। तो इसलिए इस रूप से इस परियोजना के अंदर पौधों की संख्या को बरकरार रखना, अपेक्षित पौधों की संख्या, बहुत ज़रूरी होता है। और तब ही जाकर के प्रोजेक्ट में आप कुछ इकोनॉमिक वायबिलिटी की यानी आर्थिक रूप से सफल होने की आशा कर सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो आज मैंने आपको बताया कि पौधों की संख्या इसमें कितनी अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, थैंक यू।